नमस्कार दोस्तों, आज मैथमेटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास नियम के बारे में। बोर्ड मास नियम क्या होता है? बोर्ड मास में हर एक लेटर का अलग अलग मतलब होता है। बी से ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में कोई भी आपके नंबर दे रखा है तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। ओ से ऑर्डर ऑफ पावर, पावर में आपके कोई दे रखा है तो उसको सॉल्व करेंगे। डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आपको दिख रहा है कि ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट आपके ये दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 36 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 की पावर 2, अभी ब्रैकेट सॉल्व होगा, माइनस 3 एंड 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आ रहा है ओ ऑर्डर ऑफ पावर, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पावर दिख रहा है आपको, 2 की पावर 2, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 2 इट मीन्स क्या होता है, 2 टू ज़ा 4 माइनस 8। उसके बाद डिवीज़न नज़र आ रहा है तो आप डिवीज़न को सॉल्व करें, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है तो मल्टीप्लिकेशन, यानी पहले इसमें डिवीज़न होता है तो डिवीज़न दिख रहा है आपको, 36 डिवीज़न 6, यानी 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया, मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 माइनस 8। अब हमारा आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, 6 थ्री ज़ा 18 प्लस 4 माइनस 8। उसके बाद एडिशन होता है, 18 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 22 माइनस 8, 22 में से 8 जाएगा वापस। अब लास्ट सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो 22 में से 8 जा रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है हमारा 14। तो इस तरीके से बोर्ड मास का नियम चलता है।